मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पीएम मोदी करेंगे वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। पीपीपी मोड़ के तहत बना देश का ये पहला मॉडल स्टेशन। रक्षा मंत्रालय ने उन फार्मों की नई सूची जारी की जिनके साथ रक्षा सौदों पर लगाई गई रोक। कुछ कंपनियों से हटा प्रतिबंध। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ा कर किया 2 से 5 साल। केंद्र सरकार कर रही नीति आयोग के काम की समीक्षा, भूमिया और जिम्मेदारियों का हो सकता है पुनर्गठन। प्रदूषण के बिगड़े दिल्ली में हालात, पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार केजरीवाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मां अन्नपूर्णेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा। यूपी सरकार ने 4.5 वर्षों में 80 लाख एमएसएमई इकाइयों को दिया कर्ज, 1.5 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। यूपी में आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, आखिरी में 1 नंबर है तो रहना होगा सावधान। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शिवपाल पर कसा तंज, बोले चाचा भतीजे भले ही एक हो जाएं रहेंगे सत्ता से दूर। यूपी जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई कोर्ट में होंगे पेश। आम व्यक्ति से शादी करने वाली जापान की पूर्व राजकुमारी ने छोड़ा देश, आलोचनाओं के बाद पहुंची अमेरिका। इसराइल ने दी बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी, 5 से 11 साल वाले बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। ब्रिटेन के लिवरपूल में अस्पताल के बाहर कार में विस्फोट, 1 की हुई मौत, 3 लोग गिरफ्तार। बांग्लादेश का चीन पर हमला, हिंद महासागर में एक देश की ताकत बढ़ाने को बताया गलत। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री बोले, भारत समेत किसी भी देश से टकराव नहीं चाहता अफगानिस्तान। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन खिलाड़ियों ने जूते में डालकर पी बियर, वीडियो हुआ वायरल। ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बोले, ये शर्म की बात है, हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया पहली बार बना T20 वर्ल्ड चैंपियन, न्यूजीलैंड को हरा खत्म किया खिताबी सूखा। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप 2021 से बाहर होने को लेकर आईसीसी पर बरसे रवि शास्त्री और कहा कि आईसीसी को शेड्यूलिंग के बारे में भविष्य में सोचना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में धनवर्षा, विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को मिले 12 करोड़, न्यूजीलैंड भी हुआ मालामाल, टीम इंडिया के भी खाते में आए लाखों रुपए। कंगना रनौत की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई राखी सावंत रोते हुए बोली, उसे नर्क में भी नहीं मिलेगी जगह। मैं कंगना रनौत से सहमत हूं, हमें आजादी भीख में मिली है। कंगना के भीख वाले बयान का फिल्म अभिनेत्री विक्रम गोखले ने किया सपोर्ट। अक्षय कुमार के पृथ्वीराज का टीजर हुआ रिलीज, मानुषी पृथ्वीराज के जरिए बॉलीवुड में कर रही है डेब्यू। चिरंजीवी की गॉडफादर में अहम भूमिका में नजर आएंगे सलमान खान, फिल्म का म्यूजिक एस थमन कर रहे हैं कंपोज। जो
जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 को लेकर हो रही है चर्चा। फिल्म में उनके साथ दिव्या खोसला कुमार आएंगी नजर। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।